गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू RCI एज यू हैव ऑनलाइन क्लासेज बांसुर। तो स्टूडेंट, काफ़ी समय से शिक्षण संस्थाएं बंद हैं और आप लोग भी घर पर हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है और एक लंबे समय से लगभग 3 से 4 मंथ हो गए आप पढ़ाई से थोड़ा वंचित हैं। तो आज हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, और आशा करते हैं आप सभी घर पर अच्छे होंगे और यही हमारी मनोकामना है, आप बढ़िया रहें, अच्छे रहें और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारी क्लास जो फ़िलहाल होगी, ये क्लास है 11th क्लास के लिए, और 11th क्लास के लिए जो क्लास हो रही है ये होगी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ठीक है। कि सर जी, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कहलाता है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो हमारे पास में है वो देखना कि रसायन विज्ञान के जनक जो हैं उनका नाम क्या है, एंटोनी लेवोसियर। क्या नाम है, एंटोनी लेवोसियर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है एंटोनी लेवोसियर। अब आगे चलते हैं, आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस अध्याय में, वो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर हमारे पास में दिया हुआ है और चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी। क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्तीय रूप। आज ही कक्षा 11, और आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में। स्टूडेंट, आवर्त सारणी के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा बहुत आपने अगर सुना हो तो तत्वों के बारे में वहाँ पर बताया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो ये सभी जो होंगे या जितने भी एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास में, उन सभी का अध्ययन हम आवर्त सारणी में करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कंप्लीट आवर्त सारणी ना बताते हुए मैं इसके बेसिक से चल रहा हूँ और आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सर जी, आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से वैज्ञानिक आए, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले देखो, हमने अब लिखा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, एंटोनी लेवोसियर थे। कौन थे भाई, एंटोनी लेवोसियर। तो सबसे पहले जो हमारे पास में जो सिद्धांत आ रहा है, वो पहला जो सिद्धांत होगा, या फिर हम बोलें आवर्त सारणी का जो विकास हुआ, हम यहीं पर डाल रहे हैं कि आवर्त सारणी का विकास, आवर्त सारणी का विकास। सर, आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो वैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेवोसियर। कौन आ रहे हैं, लेवोसियर, ठीक है। तो बच्चों, लेवोसियर ने क्या कहा, लेवोसियर ने कहा कि जो तत्व जो होते हैं उन तत्वों को इसने धातु व अधातु तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो लेवोसियर ने क्या किया था, तत्वों को हम यहां पर लिखेंगे लेवोसियर, इसके द्वारा तत्वों को, इसके द्वारा तत्वों को धातु व धातु व अधातु तत्वों में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया, वर्गीकृत किया गया। अब बात ये आती है कि सर आप बता रहे हो धातु है और क्या दी हमारे पास में, अधातु दी है। तो सर धातु क्या होती हैं, तो अकॉर्डिंग इसके लेवोसियर के अनुसार धातु जो होती हैं, लेवोसियर के अनुसार धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं। तो लेवोसियर ने कहा कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अधातु क्या तत्व क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो धातु क्या हो जाएंगी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं,
धातु कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर जैसे एक उदाहरण की बात करें, सोडियम अगर हम लें, मैग्नीशियम अगर हम लें तत्व, तो सोडियम और मैग्नीशियम तत्व जैसे कि धातु हो गए। तो माना कि आपके पास में ये दिया हुआ है सोडियम, एक तत्व दिया हुआ है। अब सोडियम क्या करेगा, अपने से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या करेगा अपने से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो बच्चों ये देखो, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बाहर। जब भी कोई भी तत्व आपके पास में इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ध्यान रहे हमेशा एरो के इधर की साइड में, मतलब ये बोल सकते हैं लेफ्ट साइड, ये क्या होगी राइट साइड। तो आपके पास में हमेशा जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हमेशा लेफ्ट साइड में आपको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है या निकालना है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लो आपके पास में अह धातु है, अह धातु क्या लिखेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्या लिखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, अह धातु तत्व कहलाते हैं। अब अ धातु में जैसे कि आपके पास में एक एग्जांपल लेना है आपको, यहाँ पर आपके पास में एग्जांपल आ जाएगा और वो एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो आपने लिया फ्लोरीन, किसका एग्जांपल ले लिया, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या काम करेगा, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, मान लो ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, अगर ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो देखो मैं इस पर क्या बोल दूंगा, एफ माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया आपके पास में, अ धातु, ये क्या हो जाएगी, धातु। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर जो किया था, यहाँ पर तो आपने प्लस चार्ज लगाया है और यहाँ पर आपने चार्ज कैसे लगा दिया, यहाँ पर कैसे चार्ज लगा दिया, हमने माइनस चार्ज लगा दिया, ऋणावेश लगा दिया, एक रुपया लगा दिया, धनावेश लगा दिया। तो विद्यार्थियों ये जो धनावेश आता है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ऋणावेशित, मतलब उसको कैसा आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा मतलब कि माइनस कहाँ जा रहा है, बाहर, तो कौन आएगा इसके पास में, प्लस आएगा। और यहाँ पर देखो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर इसके पास में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा आपके पास में। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, देता है, तो कैसा आवेश आएगा, प्लस। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कैसा आवेश आएगा, माइनस। सबसे पहले कौन सा नियम था हमारे पास में, या फिर बोले कौन सा वैज्ञानिक आया, लेवोसियर ने हमको क्या कहा था कि तत्वों को उसने वर्गीकृत किया, तत्वों को धातु व अधातु तत्वों में वर्गीकृत किया और उसने बताया कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। धातु क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके अनुसार धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, व अधातु क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला नियम हो गया, लेकिन इस नियम की कुछ कमियां भी थी। तो इस नियम की कमी क्या है आपके पास में, इस नियम की कमियां क्या थी आपके पास में, इस नियम की कमियां ये रही स्टूडेंट कि जैसे जैसे आवर्त सारणी में अधिकतर उच्च तत्व आते गए, वैसे वैसे ये नियम क्या हो गया, विफल हो गया, फैल हो गया, क्योंकि ये नियम सभी पर नहीं लगा। क्योंकि आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं उनमें धातु भी होती है, अधातु भी होती है और उपधातु भी होती है, तो उपधातु के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया, तो ये नियम क्या हो गया, खारिज हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, वापस सुन लो कि सबसे पहले कौन सा आपके पास में कौन से वैज्ञानिक आ रहे थे, लेवोसियर आ रहे थे। लेवोसियर ने क्या कहा कि सर जी तत्व जो होते हैं उनको वर्गीकृत किया, और तत्व यहाँ पर दो प्रकार से इसने किया कि एक को बोल देंगे धातु, एक को क्या बोल देंगे, अधातु। धातु आपके पास में क्या होंगे स्टूडेंट, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और अधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब जो दूसरा नियम आपके पास में आ रहा है, या दूसरा जो वैज्ञानिक आ रहा था जिसका सिद्धांत था वो आएगा, दूसरा जो वैज्ञानिक आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दूसरा जो नियम आएगा वो सेकंड जो आएगा वो आएगा प्राउट का नियम। किसका नियम आ रहा है, प्राउट का नियम स्टूडेंट, प्राउट का नियम। देखो स्टूडेंट सिंपल सा है कि
प्राउट ने क्या कहा? प्राउट ने कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। प्राउट ने क्या कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने, हाइड्रोजन से मिलकर बनते ही नहीं है भाई, तो ये नियम भी खारिज हो गया। तो प्राउट ने क्या कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। और इसने कहा कि तत्वों का जो अणु भार है, इसने क्या कहा कि तत्वों का अणु भार जो होता है वो बराबर होता है n इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार। अब n का मतलब होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो n का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो स्टूडेंट वापस से सुन लीजिएगा, प्राउट का नियम क्या कह रहा है। प्राउट के नियम के अनुसार इसने कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसने कहा कि तत्वों का अणु भार जो होता है वो बराबर होता है n इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार, और n का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। लेकिन इस नियम की कमी क्या थी कि सर सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते, पहली कमी इसकी आ जाएगी। और दूसरी कमी जो इसकी होगी वो होगी कि वे तत्व जो भिन्नात्मक अणु भार रखते हैं या दशमलव संख्या में अणु भार रखते हैं उसके बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पर इसकी कमियाँ की अगर बात करें, इसकी कमियां क्या होंगी, पहली कमी कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते, पहली कमी तो यही है इसकी। और दूसरी जो इसकी कमी आएगी स्टूडेंट वो क्या होगी, इसने तत्वों के भिन्नात्मक अणुभार के बारे में कुछ नहीं समझाया या बताया। सर जी अणुभार क्या होता है, देखिए कोई भी तत्व होता है आपके पास में, जैसे कि इधर देखते हैं हम, यहाँ पर आना स्टूडेंट, मान लो आपके पास में एक तत्व दिया हुआ है, परमाणु दिया हुआ है, आप उसका नाम ले सकते हैं कि हाइड्रोजन है, कौन दिया हुआ है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 1, और परमाणु भार भी कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है। आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। अब सर इसमें ये क्या है, ये जो नंबर लिखा होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये जो नंबर लिखा होता है इसको हम क्या नाम देते हैं। तो इधर देखना, ये जो नीचे की तरफ जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, क्या बोलते हैं स्टूडेंट परमाणु क्रमांक, और ऊपर की तरफ जो संख्या लिखी होती है इसको बोलते हैं परमाणु भार, क्या बोलते हैं परमाणु भार। तो इसने यही कहा कि इसने तत्वों के भिन्नात्मक अणु भार है ना, या भिन्नात्मक परमाणु भार के बारे में कुछ नहीं समझाया, मतलब कि यहाँ पर आपके पास में ये जो नंबर दिख रहे हैं ये आपके पास में सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है, फिर दशमलव में भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा, ये इसकी कमी हो जाएगी स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास में अगले जो वैज्ञानिक आ रहे हैं, अगला जो सिद्धांत आ रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगले जो वैज्ञानिक आ रहे हैं वो तीसरे नंबर के आपके पास में आ रहे हैं, न्यूलैंड्स, कौन था न्यूलैंड्स था हमारे पास में, कि सर जी न्यूलैंड्स का सिद्धांत क्या कह रहा है, इधर देखना ये लिखो, स्टूडेंट न्यूलैंड्स का सिद्धांत ये कह रहा था कि प्रत्येक पहला तत्व अपने से आगे वाले आठवें तत्वों के गुणों में समानता दर्शाता है। न्यूलैंड्स का नियम क्या कह रहा था हमारे पास, सॉरी न्यूलैंड्स का नियम क्या कह रहा था, प्रत्येक पहला
तत्व अपने से आगे वाले, देखो प्रत्येक पहला तत्व अपने से आगे वाले आठवें तत्व की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? आठवें तत्व के गुणों में समानता दर्शाता है। देखो ये जो तत्व होगा आपके पास में, ये प्रथम तत्व होगा और ये तत्व कौन सा हो जाएगा आपके पास में? आठवां तत्व हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं, इस नियम के अनुसार यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर आपने स्वर के बारे में सुना हो, स्वर ध्वनि के बारे में सुना हो, तो यहाँ पर देखना स्वर ध्वनि में क्या होता है, हमारे पास में कुछ शब्द होते हैं और क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। स्टूडेंट इधर देखना, ये जो आपके पास में है ये पहला तत्व है, ये कौन सा है? दूसरा, तीन, चार, पाँच, छ, सात व आठ। तो देखिए न्यूलैंड्स के सिद्धांत के अनुसार न्यूलैंड्स ने क्या कहा कि प्रत्येक पहला तत्व अपने से आठवें वाले तत्वों में, अपने से आगे वाले आठवें तत्व के गुणों में समानता दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो पहला तत्व कौन सा है? ये वाला। और ये तत्व किसके गुणों में समानता दर्शा रहा है? अपने से आगे वाले आठवें तत्व में। मतलब पहला कौन सा है? सा। तो आठवां तत्व कौन सा आ गया? सा। तो इसने बोला इनके गुणों में क्या होगी? समानता। यहाँ पर क्या बोला? इसके गुणों में क्या होगी? गुणों में क्या होगी? समानता। चलो स्टूडेंट ये तो ठीक है, लेकिन इस नियम की कमियां क्या थी? इस नियम की कुछ कमियां भी थी। इस नियम की कमियां क्या हैं? इस नियम की कमियां ये थी कि ये जो नियम है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम 20 तक के तत्वों के लिए लागू होता है, आगे है लागू नहीं होता, क्योंकि आगे चलकर आपके पास में डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं जहां पर परमाणु क्रमांक का अंतर 8 ना रहकर 18 हो जाता है। इस वजह से यह सिद्धांत विफल हो गया, फेल हो गया। साथ ही साथ इसकी दूसरी कमी ये थी कि कैल्शियम 20 के बाद में अक्रिय गैस भी आती है और अक्रिय गैस इस नियम की पालना नहीं करती। तो देखो स्टूडेंट इसकी कमियाँ क्या होगी? फर्स्ट जो कमी होगी हम क्या बोलेंगे, यह नियम कैल्शियम 20 तक ही लागू होता है क्योंकि आगे डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। कौन से तत्व आ जाते हैं? डी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक के तत्व आने की वजह से परमाणु क्रमांक में 8 का अंतर ना रहकर 18 का अंतर हो जाता है। अगला कि सर जी कैल्शियम 20 के बाद में हमें बोलें कि अक्रिय गैस, कैल्शियम 20 के बाद में जो अक्रिय गैस आती हैं, अब अक्रिय गैस क्या होते हैं स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ रहे हैं ना। तो अक्रिय गैस इस नियम की पालना नहीं करती, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये हो गया आपके पास में न्यूलैंड्स का सिद्धांत। तो स्टूडेंट वापस से देखते हैं थोड़ा सा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? हमारे रसायन विज्ञान के जो जनक थे, रसायन विज्ञान के जनक का नाम था, क्या नाम था? एंटोनी लेवोसियर। क्या था? एंटोनी लेवोसियर, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, या फिर आवर्त सारणी जो यहाँ पर दी हुई है इसका विकास कैसे होता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ सिद्धांत आते हैं, कुछ वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने अपने अपने विचार रखे कि तत्वों को ऐसे रखो, तत्वों को ऐसे रखना चाहिए, और उन सभी के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो देखो आवर्त सारणी क्या होती है? आवर्त सारणी प्रॉपर रूप से यही होती है कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाती है,
ठीक है। अब देखना लेवोसियर ने क्या कहा, इसने कहा कि सर जी जो तत्व जो होते हैं उनको हम धातु व अधातु के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, और धातु वे होंगी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, और अधातु वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। उसके बाद में कौन आ गया हमारे पास में, प्राउट का नियम। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि लेवोसियर के नियम की कमियां बताएं, तो लेवोसियर के नियम की कमियां ये थी कि आगे चलकर जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ी ये नियम फेल हो गया, क्योंकि आवर्त सारणी में धातु व अधातु तत्वों के अलावा उपधातु तत्व भी पाए जाते हैं जिसके बारे में इसको जानकारी नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, आपके पास कौन सा आएगा, प्राउट का नियम। प्राउट का नियम क्या कह रहा था कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते। ठीक है, आगे चलते हैं, और प्राउट के नियम की अगर कमियों की बात करें तो प्राउट के नियम की कमी ये थी कि पहला तो यही हो गया कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते, दूसरा ये था कि भिन्नात्मक अणु भार रखने वाले तत्वों के बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा या इसको पता नहीं था, तो ये नियम भी क्या हो गया, विफल हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में आए न्यूलैंड्स का सिद्धांत, न्यूलैंड्स का नियम। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, न्यूलैंड्स था। तो न्यूलैंड्स ने क्या कहा कि प्रत्येक पहला तत्व अपने से आगे वाले आठवें तत्वों के गुणों में समानता दर्शाता है, जैसे कि स्वर ध्वनि में पाए जाने वाले अक्षर सा रे गा मा पा धा नी सा। तो पहले नंबर पे आने वाला सा और लास्ट आठवें नंबर पे आने वाला सा के गुणों में क्या पाई गई, समानता पाई गई। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, ये नियम जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम 20 तक लागू होता है, उसके बाद में लागू नहीं होता, क्योंकि उसके बाद में एक तो अक्रिय गैस आ जाती हैं और साथ ही साथ में डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, और डी ब्लॉक के तत्व आने की वजह से इनके परमाणु क्रमांक का अंतर हमारे पास में बढ़ जाता है, या फिर बोलें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहले 8 चल रहे थे अब इलेक्ट्रॉन का अंतर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब ये परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये इस नियम की पालना नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू क्लास, बाकी बातें करते हैं कल की क्लास में।